हे फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम आसाने। मेरा नाम है सौरभ और दोस्तों सी प्रोग्रामिंग के इस वीडियो में आज हम फंक्शन के जो चार टाइप्स है उन सभी के बारे में पढ़ेंगे धीरे धीरे करके वन बाय वन। ठीक है, तो चलिए बेसिकली फंक्शन का अगर आपने पिछला सारा वीडियो नहीं देखा, दो वीडियोज ऑलरेडी फंक्शन के ऊपर है, तो अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज जाके देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए अभी हम बात करते हैं फंक्शन के जो चार मेन टाइप है उन टाइप्स के बारे में। तो फंक्शन के टोटल चार टाइप्स है और एग्जाम में भी काफ़ी आता है, किसी एक टाइप के बारे में दिया जाएगा और आपको एक्सप्लेन करने के लिए बोलेगा विथ द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। तो कैसे आप लिखना है और क्या करना है और जो भी मैं यहाँ पे लिखूँगा वो आप कंप्यूटर पे रन करके देख लीजिएगा। ठीक है, तो बेसिकली चार टाइप के बारे में जानते हैं हम क्या है। फर्स्ट टाइप है विथ नो रिटर्न टाइप एंड नो पैरामीटर या फिर आर्गुमेंट, आप कुछ भी कह सकते हो। सेकेंड टाइप है विथ रिटर्न टाइप एंड नो पैरामीटर। थर्ड है विथ नो रिटर्न टाइप एंड विथ पैरामीटर। एंड फोर्थ है विथ रिटर्न टाइप एंड विथ पैरामीटर। देखिए दोस्तों, फर्स्ट जो टाइप है वो हमने पहले ही देख लिया था, पिछला जो दो वीडियो था उनमें जिस तरह का हमने फंक्शन यूज किया था, मतलब वो याद होगा आपको, इटली, ब्राज़ील, ये सब चीज़ें, तो वो सभी फंक्शन क्या था, नो रिटर्न टाइप एंड नो पैरामीटर। हम पैरामीटर भी कुछ पास नहीं कर रहे थे और कुछ रिटर्न टाइप भी उन फंक्शंस का नहीं था। तो पहले कैटेगरी तो हम जान गए, कोई टेंशन वाली बात नहीं, हम फिर से एक और एक प्रोग्राम के साथ इस चीज़ को देखेंगे। ठीक है, तो एक एक करके वन बाई वन देखते हैं सभी चीज़ें। तो पहले हम देख लेते हैं विथ नो रिटर्न टाइप एंड नो पैरामीटर इस चीज को। ठीक है, तो यहां पे मैं क्या करूंगा, एक प्रोग्राम लिखूंगा और उसे सिंपल दो नंबर एडिशन का प्रोग्राम होगा और दो नंबर को ऐड करने के लिए हम एक फंक्शन बनाएंगे। ठीक है, फंक्शन द्वारा हम दो नंबर को ऐड करेंगे और वहां पे हम देखेंगे फंक्शन विथ नो रिटर्न टाइप एंड विथ नो पैरामीटर। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम स्टार्ट करते हैं प्रोग्राम को, हैज इंक्लूड stdio.h and has include conio.h, ये सब आप लगा लोगे। मेन से स्टार्ट करते हैं प्रोग्राम और आपको पता है कि फंक्शन मेन को स्टार्ट करने से पहले हमें क्या लिखना पड़ता है, हमको फंक्शन को डिफाइन करना पड़ता है, डिक्लेरेशन करना पड़ता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे अभी फंक्शन डिक्लेयर करेंगे, तो एक फंक्शन हम डिक्लेयर कर रहे हैं, फंक्शन का नाम हम दे रहे हैं कैलसम। हमने बोला नो पैरामीटर, तो फंक्शन पे कुछ पैरामीटर नहीं रहेगा और कुछ रिटर्न टाइप नहीं रहेगा, नो रिटर्न टाइप, तो मतलब यहाँ पे क्या रहेगा, यहाँ पे void। आप यहाँ पे भी void लिख सकते हो और ना भी लिख सकते हो। ठीक है, तो फंक्शन जो हमारा आगे जाके बनेगा वो रिटर्न void होगा, रिटर्न टाइप उसका void होगा, मतलब कुछ भी फंक्शन हमको रिटर्न नहीं करेगा और साथ ही साथ हम फंक्शन को कॉल करते टाइम कुछ पैरामीटर भी वहाँ पे पास नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये हमने फंक्शन को डिक्लेयर कर दिया। अभी नेक्स्ट हम क्या करते हैं, मेन से स्टार्ट करते हैं। मेन से स्टार्ट करने के बाद हम क्या कर रहे हैं, हम अभी यहां पे डायरेक्ट फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, क्योंकि देखिए हमारा फंक्शन कुछ रिटर्न भी नहीं करेगा और हम कुछ पैरामीटर भी पास नहीं करेंगे। ठीक है, तो डायरेक्टली हम कैलसम नाम का जो हमारा फंक्शन बनेगा उसको हम कॉल करते हैं और यहाँ पे गेट सी एच लगा के हमारा मेन प्रोग्राम इस छोटे में दो लाइन में हमारा मेन प्रोग्राम हो गया ख़त्म। अभी हम क्या करते हैं, मैं यहाँ पे साइड पे लिखता हूँ। अभी नेक्स्ट नीचे आप क्या लिखोगे, इसका ये हमने क्या किया, फंक्शन कॉल। अभी इस फंक्शन को हम क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे, हमने डिक्लेयर किया, कॉल किया, अब हम करेंगे फंक्शन को डिफाइन। तो हमारा फंक्शन डिफाइन करते हैं, हमारा फंक्शन है void, रिटर्न कुछ नहीं करेगा void, और हमारा फंक्शन का नाम क्या है, कैलसम, और यहां पे कुछ पैरामीटर भी पास नहीं होगा, कर्ली ब्रेसेस से ओपन करते हैं। अब जो दो नंबर हम कैलकुलेशन करेंगे वो हम कहां पे करेंगे, वो हम यहां पे करेंगे। ठीक है, तो यहां पे बेसिकली आप क्या कर सकते हो, आप दो नंबर को आप यहां पे एक मैसेज प्रिंट कराओ
कि प्रिंटफ इंटर टू नंबर्स या फिर जितने भी नंबर आप प्लस करना चाहते हो, और करने के बाद उसको स्कैन करो और जैसे दो नंबर को ऐड करते हैं वो एडिशन वाला जो काम आप मेन पे कर रहे थे यहां पे कर दो, ठीक है। तो फिलहाल तो मैं दो इंटीजर वेरिएबल ले रहा हूं, इंट ए कॉमा बी, ये दो इंटीजर वेरिएबल है, और मैं ए का वैल्यू असाइन कर रहा हूं 10 और बी का वैल्यू असाइन कर रहा हूं 20। और यहां पे और एक वेरिएबल हम ले लेते हैं सम नाम का एक वेरिएबल, ठीक है। अभी क्या कर रहे हैं हम, सम इज इक्वल टू ए प्लस बी, ये सब चीज आपको पता है कि ए प्लस बी करेंगे तो हमारा वैल्यू 10 प्लस 20 होके सम पे आ जाएगा। और हम इधर पे प्रिंट एफ कर देते हैं, सम इज परसेंट डी, और यहां पे सम का वैल्यू हम प्रिंट कर देते हैं और यहां पे प्रोग्राम को क्लोज कर देते हैं, हमारा फंक्शन क्लोज कर देते हैं, ठीक है। तो यहां पे बेसिकली क्या हो रहा है, आप लोग चाहते हो कि इसको यूजर द्वारा इनपुट लेना तो वो भी आप ले सकते हो। मैंने यहां पे जस्ट आपको ये सब पता है इसलिए मैंने सिंपल यहां पे ए का वैल्यू डायरेक्ट 10 लिख दिया, बी का वैल्यू 20 लिख दिया, ठीक है। तो आप अपनी तरफ से तरीके से ट्राई करना, यहां पे मुझे पता है कि आप लोग कर सकते हो कि प्रिंट एफ करके एक मैसेज प्रिंट करवा, उसके बाद स्कैन एफ करके यूजर द्वारा इनपुट जो लिया गया है उसको मेमोरी पे इस ए ए एंड बी वेरिएबल पे रख दो जो भी यूजर पुट करेंगे, ठीक है। तो ये प्रोग्राम, ये सिंपल सा प्रोग्राम आपको समझ में आ गया है कि यहां पे क्या हो रहा है, कैल्सम हम कुछ भी रिटर्न टाइप, कुछ भी इनका रिटर्न टाइप नहीं है, वॉयड है और पैरामीटर भी कुछ नहीं है, ठीक है। तो यहां पे फंक्शन कॉल हो रहा है, तो जब भी कॉल हो रहा है फंक्शन यहां पे आ जाएगा और यहां पे जो टास्क दिया गया है वो परफॉर्म करेगा, मतलब कि सिंपल आउटपुट में क्या लिखा जाएगा जब भी आप प्रोग्राम रन करोगे, तो सम इज इक्वल टू 10 प्लस 20 यानी कि 30, दैट्स इट। तो ये आपका आउटपुट आ जाएगा और ये प्रोग्राम खत्म होने के बाद एग्जीक्यूशन वापस कहां पे चला जाएगा, यहां पे, ठीक इसके नीचे के लाइन देखेगा क्या है गेट सीज, तो प्रोग्राम यहां पे स्टॉप हो जाएगा, अगर कुछ और लाइन होता तो प्रिंट करता। तो ये फंक्शन है बेसिकली विथ नो रिटर्न टाइप एंड नो पैरामीटर, ठीक है। तो अगले वीडियो में हम देखते हैं नेक्स्ट वाला पार्ट के विथ रिटर्न टाइप एंड नो पैरामीटर, तो ये वाला चीज हम अगले वीडियो में देखेंगे, ठीक है। तो दोस्तों आप लोग कमेंट करके जरूर बताना कि आपको कुछ समझने में दिक्कत हो रही है कि नहीं, तो हम आगे और भी बेहतर करने की कोशिश करेंगे। और चैनल पे नए हो तो प्लीज 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 सब्सक्राइब कर देना और हमारे वेबसाइट www.examasani.com पे जरूर विजिट कीजिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों वीडियो को देखने के लिए, मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, टाटा।